कि जो सीट की कुशनिंग है भाई वो काफ़ी अच्छी दी है भाई इस बार कंपनी ने, तो बहुत ज़्यादा मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट कंपाउंड का है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये भाई। और ग्रैब व्हील देख लो कितना बड़ा दे रखा है, इतना मस्त लग रहा है देखने में। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी पावर वगैरह की, तो इसको अगर लॉन्च करते हैं देखते हैं पहला गियर कितना मारता है। पहला गियर 38, दूसरा गियर 64। अब ब्रेकिंग चेक कर रहे हैं इसकी, तो भाई ब्रेकिंग देख रहे हो कितनी पावरफुल ब्रेकिंग है इस बाइक की, लग रहा है कि हाँ भाई बंद है बाइक में। देखो भाई कितने सेकंड में जो है मैं ले आया इस बाइक को। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, और होप करता हूँ सारे बढ़िया होगा भाई। सो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है देख लो जिनवाने से, जैसे कि अपना हमेशा होता है। तो भाई आज अपने पास मैं N160 जो कि बजाज की तरफ से आती है, पल्सर N160, तो ये अपने एक दोस्त की है भव्या की, तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बना दी क्योंकि वीडियो वगैरह थी नहीं कुछ भी डालने के लिए अपने चैनल पर, तो मैंने कहा चलो इसी का जो है रिव्यू कर लेते हैं। तो बाइक काफ़ी अच्छी है भाई देखने में और चलाने वगैरह में सारी चीज़ें बताऊँगा आप लोगों को। तो और ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए वो भी बताऊंगा आप लोगों को भाई, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। बाकी पहले मैं आपको एक बार बाइक चेकआउट करा देता हूँ। तो भाई ये जो है इसका वाइट वाला कलर है, वाइट ग्रे कलर का है जो इसमें टचिंग दे रखी है, ठीक है। पूरी बाइक चेकआउट कर लो एक बार आप लोग पहले। तो ऐसी कुछ बाइक देखने को मिलती है भाई। तो अगर हम बात कर ले भाई, तो इसमें भी जो है ABS दे रखा है कंपनी ने, ड्यूल चैनल। ये आपको मैं यहाँ पर बैजिंग दिखा देता हूँ, ये देख लो भाई, तो ड्यूल चैनल ABS की आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगी। अपना वही 100 सेक्शन का टायर है आगे, MRF का जो कंपनी देती है भाई हमेशा से, नॉन रेडियल वाला टायर इसमें भी दिया रखा है, ठीक है। तो पीछे जो है अपना कितने सेक्शन का आता है इसमें, पीछे का ये होगा 130, हाँ 130 70 17 का इसमें जो है कंपनी ने दे रखा है भाई। यहाँ पर आपको N160 की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, पल्सर का जो 3D वाला लोगो चल रहा है जो बजाज ने अपडेट कर रखा है, तो वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इधर भाई। बाकी अगर हम इसकी बात कर ले भाई इंजन वगैरह की, तो इंजन तो काफ़ी इसका पावरफुल है भाई 160 cc के हिसाब से, वो मैं आपको जो है चला के बताऊंगा। बाकी एक दोस्त ने स्क्रैचेस लगवा रखे हैं गाड़ी पे भाई, वो भी किसी ने मार दिए थे। इसमें भी जो है कंपनी आपको अंडरबेली देती है, तो इसका जो नोज़ल है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसका आपको साउंड सुनाऊँगा अभी प्रॉपर कैसा साउंड आता है इस बाइक के अंदर में। बाकी इसमें वही क्रिमिका का जो अपना कैलिपर लगवा अपनी LS 200 में, सेम कैलिपर कंपनी ने इसमें भी लगा रखा है भाई। बाकी अगर हम बात कर ले इसके हैंडल बार की, तो इसमें जो है एक सिंगल स्ट्रेट हैंडल बार मिलता है आपको देखने के लिए, और आपको मीटर दिखाता हूँ उसका। सो जो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है भाई, वही NS जैसा सेम है भाई, पूरा तो नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा जो इसका डिज़ाइन वगैरह वो चेंज किया हुआ है कंपनी ने, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। बाकी इसको रैप करके दिखाते हैं कि कितना 1000 RPM तक ये जो है जाती है, तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं। तो 9900 के अराउंड जो है भाई ये चली जाती है अपना। बाकी इसमें आपको यहाँ पे DRL देखने को मिल जाएगा, ये 2 DRL देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है भाई, इसका जो कॉस्टिंग बढ़ता है ना 19,000 rupees का जो है इसका ये कॉस्टिंग आता है अपना प्रोजेक्टर का, तो इसका आपको एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ। तो ये चेक कर लो इसका, हाई बीम ऑन कर दिया मैंने इस गाड़ी का अपनी, ठीक है। तो बाकी अभी आपको जो है मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, और ये अब इसका हाई बीम ऑन हुआ है, पहले लो बीम था, तो अभी तो इसका फोकस देखें कुछ खास मिलेगा नहीं। बाकी इसका जो मीटर वगैरह होना वो यहीं से हो जाता है, मतलब ये जो स्विच दे रखा है इसका, अगर यहाँ पे हम इसको प्रेस कर दें तो इसमें जो लाइट जल जाएगी, अगर मैं इसको बंद करूँगा तो ये लाइट चली जाएगी, देख लो ये देखो। तो सारा इसी से जो है ये अपना वर्क करता है। बाकी हैंडल बार मैंने बता ही दिया आपको, पावर का जो है इसमें अपना यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा, तो आप स्क्रीन पे जो चेकआउट कर लेना साइड में, इसका जो पावर फिगर का मुझे इतना ध्यान है नहीं तो मैं लगा दूंगा। बाकी मैं इसको चला के दिखाता हूँ, इसका जो है राइड रिव्यू कर लेते हैं एक बार। बाकी हॉर्न वगैरह का साउंड जो है वो सुनाता हूँ आप लोग को एक बार, तो इसका हॉर्न का साउंड कैसा है। सो बहुत डिसेंट सा साउंड है भाई इसका, तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसका साउंड। बाकी आप जो इसका राइड रिव्यू कर लेते हैं, तो कैमरे को करता हूँ माउंट हेलमेट पर, और जो है इसका राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अभी जो है मैंने माउंट कर लिया अपना भाई हेलमेट को और माउंट कैमरे को, तो अब जो है बाइक पे बैठ लेते हैं और अब जो है इसको राइड रिव्यू करते हैं। बाकी इसकी जो सीट की कुशनिंग है भाई वो काफ़ी अच्छी दी है भाई इस बार कंपनी ने,
तो बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट कंपाउंड का है ये, तो काफ़ी अच्छा है ये भाई। और ग्रैविल देख लो कितना बड़ा दे रखा है, इतना मस्त लग रहा है देखने में। तो चलो भाई अब बात कर लेते हैं इसकी पावर वगैरह की, तो इसको एक बार लॉन्च करते हैं, देखते हैं पहला गियर कितना मारता है। पहला गियर 38, दूसरा गियर 64। अब ब्रेकिंग चेक कर रहे हैं इसकी, तो भाई ब्रेकिंग देख रहे हो कितनी पावरफुल ब्रेकिंग है इस बाइक की। तो आपको एक बार ब्रेकिंग करके दिखाता हूँ दोबारा। भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा इस बाइक का, मुझे पावर जो है एमटी से ज़्यादा लगा भाई चलाने में, वो भी ऑनेस्ट। तो पावर ज़्यादा है भाई एमटी से, इनिशियल बहुत ज़्यादा है इस बाइक का। एक लग रहा है कि हाँ भाई बन गया भाई से। जी देखो भाई कितने सेकंड में जो है मैं ले आया इस बाइक को, बिल्कुल डाउन कर दिया मैंने। तो ये अपना हैंड ब्रेक था, ठीक है। हैंड ब्रेक पे देखते हैं कितनी स्पीड पर रुक जाती है गाड़ी। वैसे तो अच्छी ब्रेकिंग है गाड़ी की भाई, मज़ा आ गया गाड़ी चला के। बाकी चलो तो भाई ऐसा कुछ है इस गाड़ी का ब्रेकिंग, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगा। बाकी ये बाइक भव्य की है भाई, भव्य वहीं बैठा था मेरी बाइक के ऊपर में। तो भाई ये वाला वीडियो यहीं तक था भाई, तो मैंने कहा चलो आज रिव्यू कर लेते थोड़ा N160 का। तो काफ़ी अच्छा लगा भाई मुझे बाइक चला के, और MT से तो मुझे ज़्यादा पावर लगी इस बाइक के अंदर में, तो मज़ा आया काफ़ी इस बाइक को चलाने में भाई। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो भाई तो लाइक कमेंट शेयर करके अपना एक ओपिनियन बता सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो कौन सी बाइक पर लाया जाए वो बता सकते हो आप लोगों। तो वैसे मेहनत लगती है काफ़ी, और धूप देख रहे हो कितने दौर रखे, गर्मी बढ़ गई तो भाई हाथ जल रहे हैं पूरे, तो एक लाइक तो बनता है भाई। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।